पटना में देश के सभी विरोधी पक्ष के नेता मोदी सरकार के विरोध में एकजुट हुए हैं। पटना में आगामी चुनाव को लेकर सभी नेताओं में बैठक होने जा रही है। विरोधकों के इस बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि परिवार की राजनीति करने वाले लोग साथ आ रहे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश का नाम ऊंचा किया है, साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे भाजपा का विरोध करने कहा भी जा सकते हैं। देखिए, मोदी जी हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका में, यूएसए में, जिस प्रकार से मोदी जी ने कल अपनी बात रखी और पूरे देश ने और पूरे विश्व के भारतीय लोगों ने जिस प्रकार से स्वागत किया, अमेरिकन जनता ने स्वागत किया, पूरे विश्व ने स्वागत किया, मोदी जी सब देश को जोड़ना चाहते हैं, अपने देश को पूरे विश्व में ऊंचाई देना चाहते हैं। ऐसे समय में अपोजिशन पार्टी के लोग पटना में जाके वह हाथ से हाथ मिलाने वाले हैं मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी नहीं चाहिए, मोदी जी अगर आएंगे तो हमारे परिवार का जो राजनीति है वो सुपड़ा साफ हो जाएगी। परिवार की राजनीति करने वाले लोग एक आ रहे हैं, परिवार की राजनीति करने वाले, कोई दूसरे नहीं आ रहे। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए एक आ रहे। उद्धव ठाकरे को लगता है आदित्य ठाकरे मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का। पवार साहब को तो चिंता है सुप्रिया ताई का क्या होगा, ये पहले से चिंता है उनको। अभी तो उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष भी और कल अध्यक्ष भी घोषित कर देंगे सुप्रिया ताई को। तो ये सारे जो लीडर्स ये आ रहे हैं, ये केवल देश के लिए नहीं आ रहे, देश का नाम आगे लेके जाने के लिए नहीं आ रहे, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नहीं आ रहे, ये केवल और केवल मोदी जी का विरोध करने आ रहे हैं। और उनको मालूम है कि 2024 में अगर मोदी जी आएंगे तो हम सब लोग, राजनीति हमारी खत्म हुए बिगड़ रहेगी नहीं, ये परिवारवाद खत्म हो जाएगा जो पार्टियों का है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस का और नीतीश कुमार का, परिवारवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये डर है, ये फियर है, इस वजह से सारे लोग एक आ रहे। लेकिन देश की जनता मोदी जी को जानती है। 140 भारतीय, भारत के लोग, 140 करोड़ भारतीय, भारत के लोग मोदी जी को 400 प्लस लोकसभा में एनडीए के सारे लोग चुन के आएंगे, महाराष्ट्र में 45 प्लस चुन के आएंगे और मोदी जी दोबारा इस राष्ट्र के लिए, इस देश की ऊंचाई के लिए फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का उज्जवल भविष्य का वो रक्षा करेंगे। उद्धव जी तो पूरे सरेंडर है कांग्रेस राष्ट्रवादी के विचारों को। उन्होंने तो औरंगजेब के साथ जो अम्बेडकर जी उनके दर्शन करने गए थे, उनकी युक्ति के बारे में भी अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। महाराष्ट्र देख रही है, महाराष्ट्र देख रहा है। उद्धव जी कुछ भी कर सकते हैं, अब उन्होंने सारा छोड़ दिया है। उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, लोकसभा की दो भी सीट दी तो भी वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, सारे विचारधारा छोड़ दिए। इसलिए वो पटना में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, मोदी जी का विरोध करने के लिए उद्धव ठाकरे कहीं भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विचारधारा छोड़ दी है, उन्हें सारा छोड़ दिया है। इसलिए उनका बात ही मत करिए। उद्धव ठाकरे ये मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहाँ जहाँ कुछ करना होगा तो पहले लाइन में खड़े रहेंगे।